आप देख रहे नौटंकी लोक संगीत YouTube चैनल। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हो तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वेल आइकन घंटी जरूर दबाए ताकि हमारे सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहे बिल्कुल मुफ्त। तुझे जाने कि तूने ठान ली, मैंने जाने तू तुझे और जाने कि तूने ठान की, और पार को सीने में तेरे धारे कृपा। आप पृथ्वीराज का नमक खाए हैं ना, इसलिए आप ये भूल गए कि आपके परिवार में आपका भाई। हाँ, मैं पृथ्वीराज का नमक खाता हूँ। बलखान मारा गया और उनका हुक्म है ना इस पार से कोई उस पार जाएगा और ना उस पार से कोई इस पार आएगा। बाबा जी आपको शर्म आनी चाहिए। बाबा जी जानता हूँ मैं तुम मामा कैसे भी हो, शर्म ना लगती तुम्हें, शर्म ना लगती तुम्हें, बातें वो करते के रख दूंगा भूम पे तेरा कलेजा चीर के। मामा जी इसका मतलब आप ये भूल गए हैं कि मैं आपका भांजा हूँ, आप मेरे मामा हैं। लेकिन आज मैं इस रास्ते से तुम्हें नहीं जाने दूंगा। नहीं मामा जी, जिद मत कीजिए, हमें जाने दीजिए। मामा जी वापस चले जाओ, जाकर वापस तो मैं कभी नहीं जाऊंगा। मामा जी आज ये जाकर जाएगा। ठहरो धनु, तुम जा सकते हो, ये जंग हम खुद लड़ेंगे। जागन तू जाएगा? हाँ मैं जाऊंगा। ताहर देखता हूँ तू कैसे जाता है। ताहर मजा तो अब आएगा। दुश्मन मेरे मामा जी को मारकर घमंड में फूल रहा है ना, और तुझे भी मारूंगा। हराम जादा बस जागन, और तेरी बॉडी बॉडी काट दूंगा तुझे। जागन जागन, अरे कभी नहीं, बहुत बड़ा पलवार बनता था। अरे Thank you.
जानन, मैंने तुझे जख्मी कर दिया है, देखता हूँ तू कैसा रिस गिर जाता है। जंग मैदान में जख्मी, चलो मैं देख ली। अरे बेटी जागन तो काफी जख्मी, अब क्या होगा, अब क्या होगा, कौन जाने वाला है, कौन जाएगा। जागन कौन बेटा, अगर तुम नहीं जाओगे तो मेरा डोला चला जाएगा। हाँ डोला चला जाएगा। हाँ बेटा, यहाँ हमारी जान जा रही है और आपको डोले की बारी है। मौसी, डोला मौसी का जाए या नानी का, अब यह जागर नहीं जा पाएगा। ठीक है, आप जाने से इनकार है जागर, तो लाओ साड़ी दे दो और कंगन और पहन के घर में बैठे। जागर ये क्या जाएंगे, उठा तलवार, चल मेरे साथ, मैं पूछ जाऊंगी। हाँ चलो जाओ। क्यों? अब क्या हुआ? जागन, क्या चूड़िया? हाँ तू पहन कर यहीं पे बैठ ले आराम से, अब मैं माँ बेटी खुद जंग करूंगी। नहीं नानी नहीं, आपने जो हमें हिम्मत दी है, आज ये जागन हम सत्य कहती है, हम सत्य कहती है नानी। छत्री जंग मैदान में क्यों ना मर जाए, लेकिन उसे पीठ दिखाकर कभी जंग मैदान से भागना नहीं चाहिए। आज हम कायर हो गए थे जख्मों की पीड़ा से, हमें कायरता आ गई थी, एक कायर के भाग मैं कायर हो गया था। नहीं नानी, आपने जो हिम्मत दी है हमें, ये जागा जाएगा, मेरे जिस्म के हजार टुकड़े भी हो जाए ना, तब भी ये जागा जाएगा। जागन चलो ठहरो, ठहरो जागन, हम मामे की जंग करेंगे और तुम निकल जाना। हाँ मौका पाकर, देखता हूँ कौन आता है जंग मैदान में। कमर में बिछा चीज समसीन वो जाके तो
सरजमी पर लुढ़क। कान चंद्रावली, ए, तुम्हारे हाथों में ये तलवार शोभा नहीं देती। अरे मेरे साथ चलो, मैं तुझे दिल्ली में रानी बना के रखूंगा। रानी? मुझे रानी बनाएगा तू? आओ आओ मेरे साथ चलो, अभी चलूंगी। अरे कैसे दूर हो कमीने, और इसमें तेरी भलाई। अरे सासू माँ, अपने दामाद के साथ में जंग करोगी? अरे कमीनी, अरे सीधे साधे अपनी बेटी की शादी मेरे साथ में कर दो, वरना समझ लो। शर्म नहीं आती कहने में? क्यों हो बड़े बेशर्म शर्मवाजी नहीं, बहुत शर्म कहने हुए करते अल्फाज में। क्या घर में तेरे बहन बेटी नहीं? छोड़ तो नहीं आई? ठीक है आओ। क्या भाली, काश मेरे नानी और मौसी जंग न करती तो ये जागरण कभी नदी बेतवा के इस पार न आ पाता। ठीक है, ये सामने जो किला दिखाई देता है, लगता है इतना सुंदर बगीचा तो हमने कहीं नहीं देखा। घोड़े को ही बांध देता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा पानी पी लूं क्योंकि मुझे प्यास भी लगी। मुझे लोग कहते हैं ठाकुर गंगा सिंह, ये कुरैल घर की राजधानी और ये शासन बागडोर हमारे हाथों में है। आज मैं जाऊंगा अपने बगीचे की तरफ। दानाओं का दाना हूं, दानाओं का दाना हूं, आफत का परवाना हूं। जाके सरकार से कह दो गंगा सिंह हमारा काम है सभी को जल जला करना, अमीरों की कमाई से गरीबों का। आज हम चलेंगे अपने बगीचे की तरफ, क्यों नहीं? हमारे घोड़े को सजा दो और तू भी हमारे साथ चल। आओ घोड़े को तो बांध दिया, अब यही आराम कर लूं। कितना सुंदर बगीचा, इस बगीचे में आकर मेरा दिल खो गया। पत्ता पत्ता बूटा बूटा
हमारा जाने गे तो देख करके आज मेरा जी कहता है इस घोड़ी पर बैठूंगा तो हमारी रियाय यहाँ की कहेगी ठाकुर गंगा सिंह जा रहा है। इस घोड़े की कीमत 1,00,000 रुपए है और जो सवार सो रहा है इसके गले में जो कोड़ा है वो 1,25,00,000 का है। क्यों नहीं सरदार जी, बंद कर चाह में अपना मौका मिलेगा है नहीं, घोड़े वाला सो रहा ले जाऊं घोड़ा चुरा और सोच रखा है गंगा जिगर और हम जाते हैं सवार के पास। चलो निकाल लियो। ना बंदूक और हमारा काम हो गया। 2,25,000 रुपए
मुझे बगीचे में मुफ्त में मिला। आओ चलते हैं। कहा अपने मकान हम वो निकाल ले तो चला। क्या निकालेगा? जूता 2500 देंगे हम। चलो काम करो। आज इस घोली पर बैठ करके मैं अपनी रियाज की तरफ चलूंगा। देर हो गई मुझे इन जख्मों की पीड़ा ने मजबूर कर दिया था। काफी देर तक सो गया। ये हम क्या देख रहे हैं? मेरा घोड़ा इस चमन में नहीं, आखिर वो कहां गया? Thank you.
पाक साहब आप हमारी मदद कीजिए, हम मुसीबत के मारे हैं, हम पर रहम करो मेरे भाई। कहां से मिले बहुत हम लाए थे खरीद इनका खरीद के लाए। इन जूतों की कीमत तुझे मालूम है कितने के हैं? ये मैक में बोल। ये भैया बता दे जूता लेके आए हैं, बता दे ये 3000 की। बता दे 3000 कितने नंबर के हैं? एक ही इंसान के पैर में एक 9 नंबर का जूता लगता है, एक 8 नंबर का। हाँ ये गोले पोलियो, अभी तेरी पोलियो ठीक करूंगा। ये जूते मेरे हैं और बतला मेरा घोड़ा और घोड़ा कहाँ है? साला मलिहाबाद के तोरे दांत लगते और मोछे तो लगते हैं, जौनपुर वाली और तेरी शक्ल साला संजय दत्त बन रहा है। बाल देखो पहले के, जूते उतार उतार जूते। क्या उतारी का कहते हैं? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। एक जूता दे दिए चले जाओ। इससे पहले कि हम तेरी जान ले ले, बस अपनी औकात में आ जा। अब बतला मेरा घोड़ा और कोड़ा कहाँ है? बोल। ओ भैया कौन है वो? भैया गंगा सिंह, गंगा सिंह। यही तो हम सोच रहे थे कि एक जूता चुराने वाला इंसान, एक लाख का घोड़ा और 1.25 लाख घोड़े की चोरी नहीं कर सकता। कोई दूसरा वीर है इसमें, कौन है वो? गंगा सिंह। उसके महल का रास्ता बतला। समझ गया, गंगा सिंह उठ खड़ा हो जा, तेरी मौत तेरे पास आई है। तो घोड़ा कोड़ा मेरा इसी बात में मेरा